करेंगे हॉस्पिटल बैग की। सो हम जब हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं हमें हॉस्पिटल बैग रेडी करनी होती है। सो मैंने क्या किया था, मैंने एक अपना बैग बनाया था, दैट्स द मदर्स बैग, एंड सेकेंड वॉज बेबीज बैग। अब मदर के बैग में हमने क्या क्या डाला था, सो ऑब्वियसली हमें बेबी को फीड करना है, सो हमें फीडिंग गाउंस की ज़रूरत पड़ती है। सो मैंने 3 to 4 फीडिंग गाउंस अपने बैग में ऐड किए थे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स माई यूजीज टॉवल एंड माई पर्सनल टॉयलेटरीज। सो पर्सनल टॉयलेटरीज कुड बी बेसिक ट्रैवल किट जो आप लेके जाते हो, सोप शैम्पू योर वॉशेज एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दैट दो चीज़ें जो मैंने स्पेसिफिकली ऐड करी थी इन माई टॉयलेटरी वॉज, वन वॉज द डेटॉल लिक्विड। ठीक है, ये क्यों ऐड किया, बिकॉज यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल में बोला जाता है दैट यू हैव टू टेक अ वाटर डूच। सो वाटर डूच इज बेसिकली एक टब, पानी के टब में गर्म पानी भरा जाता है, लाइक इट्स नॉट अ ल्यूक वार्म वाटर, अ बिट हॉट वाटर। उसमें आपको बोला जाएगा कि 2 caps ऑफ डिटॉल ऐड करिए एंड यू आर सपोज टू सिट इन दैट वाटर। दिस इज बेसिकली इट विल हेल्प टू हील द स्टिचेस दैट आर गिवन टू यू। तो इसी वजह से वो डेटॉल लिक्विड ये मैंने ऐड किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, येस वी आर गोइंग टू गेट आर साइकिल इमीजिएटली आफ्टर द डिलीवरी एंड 8 days काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होता है। सो इस वजह से वी नीड टू ऐड सैनिटरी पैड्स एंड प्रेफरेबली नाइट ओवरनाइट पैड्स जो यूज़ होते हैं उन्हें यूज़ करिए एंड कॉटन वंस, बिकॉज आपका जो साइकिल चलेगा इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्गर साइकिल, सो यू मे एंड अप हैविंग अ रैश और अ प्रॉब्लम आउट देयर। सो आई प्रेफर टू यूज अ कॉटन पैड। सो दिस वॉज मदर्स बैग। ये पूरी लिस्ट है फॉर ममाज बैग। नाउ फॉर द बेबी। सो बेबी आपका काफ़ी छोटा होगा, यू डोंट नो, यू हैव अ सरप्राइज वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल। सो जो बच्चों के ड्रेसेस आते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं, सो आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा। सो जो जबले होते हैं, मैंने 12 जबले एंड 12 नैपीज डाले थे एंड बच्चों को बांधा जाता है सो दैट दे फील सिक्योर्ड। वाई द बेबी इज रैप्ड इज बिकॉज द बेबी शुड फील सिक्योर द वे इट यूज टू फील इन द वूम। सो इस वजह से उनको रैप किया जाता है। सो 12 रैपर्स डाले थे मैंने बेबी के बैग में। अब रैपर्स प्रेफरेबली मैंने 2 types के लिए थे। एक जो मैंने बाहर मार्केट से डायरेक्ट खरीदा था दैट वॉज 1 meter लॉन्ग, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मुझे वो रैपर्स यूज करने में उतना मज़ा नहीं आया। एंड वॉट आई प्रेफर इज कि हम अपने कॉटन के जो दुपट्टे होते हैं उनको 2 halves में कट करें एंड वो यूज़ करें। दे आर प्रिटी सॉफ्ट एंड रैप करने में काफ़ी स्मूथ वर्क होता है एज कम्पेयर टू व्हाट यू गेट इन दी आउटसाइड मार्केट। सो मार्केट वाले जो रैपर्स होते हैं वो काफ़ी कभी कभार थिक होते हैं तो वो बांधने में दिक्कत जाती है। सो इट्स अ चॉइस दैट यू कैन मेक। होजरी के रैपर्स भी मिलते हैं मार्केट में, बट यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू यूटिलाइज। माय पर्सनल प्रेफरेंस इज दुपट्टे से बना हुआ रैपर। सो ये हमने बच्चे के लिए डाला था। सो दीज वर अबाउट क्लोथ्स। टॉयलेटरीज में हमने क्या क्या लिया था, बेबी सोप पाउडर, दीज वर द 2 items दैट वी नीडेड मेजर। उसके अलावा वेट वाइप्स एंड टॉवल, बिकॉज बेबी को डेली बाथ दिया जाता है सो दे विल आस्क यू टू गिव यू गिव द टॉवल। अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी बार बच्चे अगर आप ट्विन शेयरिंग में हैं तो AC चलता है कॉमन में, तो बच्चे को ठंड लग सकती है एंड ऑफकोर्स बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वुड यू नो यूज टू कवर अप द बेबी। सो मैंने ब्लैंकेट प्लस रजाई दोनों कैरी किया था बिकॉज माई बेबी वॉज अ अक्टूबर बेबी, सो वी वर नॉट श्योर अबाउट द सिचुएशन, दैट्स द रीजन वी टुक बोथ द ब्लैंकेट एज वेल एज अ रजाई। सो दैट्स ऑल फॉर द हॉस्पिटल बैग। डू चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। इन द डिस्क्रिप्शन मैंने पूरी चेकलिस्ट ऐड करी हुई है दैट यू नीड टू कैरी फॉर योर बेबी एंड एज वेल एज योर सेल्फ इन द हॉस्पिटल। Thank you so much.